जमियत उलमा हिंदच्या वतीने जिल्हा परिषद पुनम गेट जवळ एनआरसी व कॅब बिल विरुद्ध दुपारच्या सुमारास आंदोलन करण्यात आले. ताकि मुल्क को मुसलमान और इस्लाम को समझने में आसानी हो, हम किन लोगों के साथ, किस धर्म के मानने वालों के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आप समझ में आना है. इसलिए उनकी बातें रख रहा हूं. अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल खल्कु कुल्लुहु इयादुल्लाह, संपूर्ण निर्मिति, सारी मखलूक, सारी क्रिएशन अल्लाह की फैमिली है, अल्लाह का कुंबा है. चाहे वो इंसान हो, इंसान में किसी धर्म से ताल्लुक रखने वाले हो, किसी जात से ताल्लुक रखने वाले हो, किसी राज्य और किसी जगह से ताल्लुक रखने वाले हो, जितने इंसान है, इंसान तो इंसान, जितने जानवर है, जितने हवा में होने वाले परिंदे. स्टेज पर रौनक अफरोज हुफाज़े कराम उलमाए रब्बानीयीन, اہل علم، دانشوران قوم و ملت اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، ان کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے CAB بل کی مخالفت کی مناسبت سے ہمیں اور آپ کو کچھ دیر کے لیے ضلع پریشد گیٹ کے سامنے جمع ہونے کا موقع دیا. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے سورہ ابراہیم کی 13 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھ جیسے عاجز، ناتوا اور کمزور انسان کو چند منٹ मुस्लिम समाजातील तरुणांनी या आंदोलनात उत्साही सहभाग घेतला होता. लाखोच्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. या आंदोलनात जमियत उलमा हिंदचे सर्व उलमा व शेर काजी व फारूक शाब्बी, मुखलिस सालार व इतर मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी जमियत उलमा हिंदच्या मौलाना हारिस यांनी लोकप्रधान चॅनलला दिलेली मुलाखत. मैं मौलाना हारिस दस्तगीर शेख, जमियत उलमा जिल्हा सोलापूर का उपाध्यक्ष हूँ. मैं आज 13 दिसंबर 2019 में पूरे भारत देश में, देश के हर राज्य में, राज्य के हर ज़िले में, ज़िले के हर तहसील और तालुके में जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से एक धरना आंदोलन आयोजित किया गया है. इस धरने आंदोलन की मुख्य मांग और हमारी डिमांड ये है कि अभी फ़िलहाल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में पास किया गया है, इस बिल को जमीयत उलमा गैर इंसानी और अमानवीय बिल मानती है और कहती है कि अगर इस मुल्क में संविधान की सर्वश्रेष्ठता अगर बाकी रखनी है, मुल्क की अखंडता सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इस बिल को इमीजिएटली वापस लिया जाना चाहिए. मोहतरम जनाब राष्ट्रपति, इनसे बहुत अपील और दर्द भरी हमारी अपील और अनुरोध है कि संविधान की सर्वश्रेष्ठता को बाकी रखने के लिए, संविधान को सर्वोपरि रखने के लिए आप इस कानून को जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के नाम से पास किया गया है, जो सरासर फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, इसको फौरी तौर पर आप हस्तक्षेप करके इस बिल को वापस ले लीजिए, ख़त्म करवा दीजिए. हम उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से भी ये अनुरोध करते हैं और लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबरान हैं, अपोजिशन जो लीडर्स हैं, उनसे भी हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर आप चर्चा सत्र करके
और जो कुछ कर सकते हैं इमीडिएट आप इस बिल को वापस ले लीजिए। ये इस मुल्क के हित में और संविधान की सर्वश्रेष्ठता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यही मांग को लेकर के जमीयत उलमा ने आज पूरे भारत देश में एक ही टाइम एक ही दिन में धरना प्रदर्शन रखा है। हमें उम्मीद है कि हमारी इस आवाज़ पर सारे लोग संजीदगी से ध्यान दे करके सोचेंगे और इस बिल को जो है इमीडिएट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यही आशा व्यक्त करते हुए हम अपनी बात को ख़त्म कर दें।